हरिद्वार के लक्सर में पुलिसकर्मियों पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर रोड भी जाम किया। दरअसल पुलिस अधिकारी पर बीजेपी नेता जितेंद्र चौधरी के ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट करने, पैसे मांगने और ट्रैक्टर के टायर की हवा निकालने का आरोप है, जिसके बाद क्षेत्र के किसानों ने सड़क पर गन्ने से लदे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खड़ा करके जाम लगाया और काफी हंगामा किया। अब इस मामले में मौके पर पहुंचे सीईओ के आश्वासन के बाद किसानों ने रास्ते को खोला। यहाँ साइड पर खड़ा कर रखा था और इस पर क्या नाम कंटे पर, तो पुलिस वाले आए, कह लगा कहाँ जा रहा है, मगर मतलब ये खड़ा है भी कहाँ जा रहा है, फिर कह लगे अगले यहाँ तो पैसे थे, मगर पैसे कहाँ थे, मतलब यहाँ गन्ने में चढ़ा रहे पैसे दे मारा, 1000 रुपये मांग रहा था दरोगा ही। कौन था? मैं जो बाल हवा काट कर गया इसकी। अब क्या करोगे? अब क्या कर सकते, उसका घर जाना पड़ना पड़ेगा। पहले भी बता चुका हूँ इसमें जो पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है, 4 दिन पहले भी यशवीर नेगी ने और एक दरोगा चौकी का सिपाही था, मेरे आवास पर जाकर इन्होंने वहाँ इस कदर बदतमीजी की थी इन्होंने, रात को ही फिर हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में और डीजीपी को सबको रात को ही सूचना दे दी थी, तब से ये बड़ी ईर्ष्या रख रहा है। आज हमारी ट्राली यहाँ हमारे घर के सामने दुकानों के सामने खड़ी थी और आकर इसने इसकी हवा निकाल दी, ड्राइवर के साथ बदतमीजी की, जो इसके साथ सिपाही था उसने पहले, उसे पता नहीं था, उसने पहले 1000 रुपये मांगे, उन्होंने कहा भाई ये उनकी ट्राली है, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ घर रहनी है, कहने लगे तो इसकी हवा निकाल दो, जो हमारे लगभग 25-30 हज़ार के टायर थे वो ख़त्म हो चुके, इसलिए सब व्यापार मंडल सब त्रस्त है, हम जब तक कोई निर्णय नहीं होना, ये चौकी इंचार्ज यहाँ से नहीं हटेगा तब तक हम कोई भी चैन से नहीं बैठेंगे। गुंडागर्दी कर रखी पुलिस वालों ने खुद ही, 500 रुपये मांग रहे काली वालों पर, राख बंटवा रहे, निकाली ट्रैक्टर की। हाँ, एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी गन्ने की, तो उसको जो है पुलिस साइड में खड़ी थी, तो उससे जो है उसके पीछे 3-4 और ट्रॉलियाँ आ गई थी पुलिस के मुताबिक, तो उसमें हवा वगैरह निकालने की बता रहे कंप्लेंट हुई है, तो उसका विरोध वगैरह किया है लोगों ने, तो उसी संबंध में यहाँ जो है काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए जिन्हें समझा बुझा दिया गया है और प्रकरण के जो है बारीकी से जाँच की जा रही है।